नमस्कार, लाइव स्थिति पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, शिक्षा विभाग में कई एक जो है वो आदेश निकल रहे हैं। वो आदेश शिक्षकों के लिए हैं और शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के लिए हैं। अभी हाल के दिनों में यानी हालिया जो आदेश है, उन आदेशों में ये कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की लेकिन वो टीआरई वन में यानी उन्होंने अपनी अभी नियुक्ति नहीं दी है यानी वो ज्वाइन नहीं किए हैं, ऐसे शिक्षक जल्द से जल्द वो अपनी ज्वाइनिंग दे, अदरवाइज शिक्षा विभाग उन्हें भगोड़ा साबित करेगा। यानी एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर है। साथ ही साथ एक निर्देश भी, एक जहां पे शिक्षकों की ट्रेनिंग हो रही है वहां भी एक निर्देश जारी किया जा रहा है कि क्या क्लासेस नावर पढ़ सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले सजल जी से बात करते हैं। सजल जी, एक आदेश आया है, वो आदेश में ये कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है जल्द से जल्द वो ज्वाइन करें, अदरवाइज उन्हें भगोड़ा साबित किया जाएगा। क्या है वो आदेश? बिल्कुल, वो इस आदेश में दो तरह के आदेश है। एक आदेश में दो तरह के आदेश है ऐसे शिक्षकों को लेके। पहले अभ्यर्थी वो हैं जो बीपीएससी से पहले फेज में अध्यापक पद के लिए चयनित हुए, उन्होंने प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी ले लिया लेकिन उन्होंने अब तक योगदान नहीं किया है। तो ऐसे जो चयनित अभ्यर्थी हैं अगर वो 7 दिनों में योगदान नहीं करते हैं तो माना जाए और उनकी सेवा नहीं ली जाएगी, उनकी नौकरी खत्म समझी जाएगी। और दूसरे तरह के वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पोस्टिंग लेटर तक ले लिया, यानी अपॉइंटमेंट लेटर लिया, विद्यालयों में उनकी पोस्टिंग भी हो गई, उन्होंने पोस्टिंग लेटर भी ले लिया लेकिन उन्होंने भी योगदान नहीं किया है, तो उन पर भी वही व्यवस्था लागू होगी। यानी अगर वो 7 दिनों में अपने आवंटित विद्यालयों में योगदान नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि उन्हें भी इस सेवा में नहीं आना है और उनकी भी नौकरी खत्म मानी जाएगी। तो ऐसे ये दो कैटेगोरीज के टीचर हैं और दोनों कैटेगोरीज के लिए ये आदेश साफ साफ कह दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि अगर ये दोनों चयनित अभ्यर्थी और अपॉइंटमेंट लेटर लेने वाले अभ्यर्थी और जिन्होंने पोस्टिंग लेटर ले लिया है और योगदान नहीं दिया है तो ऐसे जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी सेवा, उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया है, उनके लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम है और अगर वो 7 दिनों में ज्वाइन नहीं करते हैं, अपने विद्यालय में नहीं योगदान देते हैं तो उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। ये ऐसे शिक्षकों के लिए, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के लिए आदेश है। जी सजल जी, ऐसे कितने शिक्षक होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी होगी? साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनमें नियोजित शिक्षक भी है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की लेकिन वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा अगर हो जाती है तो फिर वो उसमें ज्वाइन करेंगे, वो उसको कम्पीट करेंगे। तो ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? देख लीजिए, पहले हम आंकड़ों पे चलें तो 1,20,000 अभ्यर्थी चयनित हुए थे बीपीएससी से। इन 1,20,000 में 1,10,000 ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर ले लिए। उन 1,10,000 में से अब तक 1,02,000 ये योगदान दे चुके हैं विद्यालयों में और बाकी जो बच गए वो तकरीबन 8,000 के आसपास हैं जो योगदान देने अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 8,000 है और ये सभी अभ्यर्थी हैं, ये सभी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी से चयनित हैं। अब इसमें हम चले जैसा नियोजित शिक्षकों की ओर, तो आपको पहले फेज में आपको याद दिला दें कि 66,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी की प्रथम चरण की परीक्षा में बैठे थे। 66,000 नियोजित शिक्षकों में 28,815 शिक्षक परीक्षा पास हुए यानी शिक्षक पद के लिए चयनित हुए और उनमें से माना यह जा रहा है कि जो योगदान नहीं करने वाले हैं उनमें यह माना जा रहा है कि जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया, जिनका विद्यालय आवंटन हो गया, जिनकी पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग लेटर ले लिया
और पोस्टिंग लेटर देने के बाद उन्होंने योगदान नहीं किया। तो कुल मिला के तकरीबन 8,000 कुल संख्या है। इन 8,000 में दोनों कैटेगरी के हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं और अभ्यर्थी भी हैं जो नियोजित शिक्षक नहीं थे, ऐसे फ्रेश अभ्यर्थी हैं। तो इसमें नियोजित शिक्षकों पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि स्पष्ट में आदेश में साफ साफ कहा गया है कि जो नौकरी में है उनकी वो नौकरी बनी रहेगी, उनकी वो नौकरी नहीं जाएगी। ये तो मान लीजिए नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार के हैं, दूसरे राज्यों के भी हैं, दूसरे सेवाओं के भी अभ्यर्थी हैं, तो उनकी नौकरी इसलिए समाप्त मानी जाएगी, उनकी उनका दावा इसलिए समाप्त माना जाएगा कि ये माना जाएगा कि उन्हें ये नौकरी रास नहीं आ रही है, उन्हें ये नौकरी पसंद नहीं है, वे जहां भी हैं अपने पद पे बने उन्हें वही पुरानी नौकरी पसंद है, या जो उसमें फ्रेश अभ्यर्थी हैं, चयनित हैं, उनके बारे में ये माना जा रहा है, माना जाएगा कि वो उन्हें बिहार के अध्यापक पद की नौकरी पसंद नहीं है। तो कुल मिला के तकरीबन कहेंगे तो 1,02,000 में करीब 8,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें नियोजित शिक्षक भी होंगे, जिनमें फ्रेश अभ्यर्थी भी होंगे, जिन्होंने अब तक विद्यालयों में योगदान नहीं किया है। इसमें भी दो तरह के अभ्यर्थी हैं, एक वैसे हैं जिन्होंने प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया था लेकिन वो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने नहीं लिया है। दूसरे वैसे कैटेगरी के हैं जिन्होंने प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया, उनकी पोस्टिंग भी हो गई, उन्होंने पोस्टिंग लेटर भी ले लिया, पर वो अब तक उन विद्यालयों में योगदान करने को नहीं पहुंचे हैं। एक बात और बता दूं साहब कि उसी आदेश का एक और पारा है। उस पारे में शिक्षा विभाग ने अपनी समीक्षा में पाया है कि योगदान करने के बाद, माने ये दो कैटेगरी से अलग एक तीसरा कैटेगरी है कि योगदान करने के बाद करीब 50 विद्यालय अध्यापक ऐसे हैं जो योगदान करने के बाद बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी छुट्टी लिए, बिना किसी सूचना के वे अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से फरार चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे फरार चल उन्हें शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में साफ साफ शब्दों में भगोड़ा घोषित किया है। और शिक्षा विभाग ने कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारियों से, उप विकास आयुक्तों से कि ये जो हमारे भगोड़े अध्यापक हैं इन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाई जाए। तो ये एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें अब तक 50 अध्यापक आइडेंटिफाई हुए हैं, ये जो योगदान करने के बाद अपने विद्यालय में नहीं पहुंचे हैं। ये आदेश जी, जी शैलेंद्र जी, आप इस आदेश को किस तरह से देख रहे हैं कि जिन शिक्षकों ने अभी तक योगदान नहीं किया, ठीक है ये सही है कि सरकार तो खोजेगी कि जिन लोगों ने परीक्षा पास की अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया या ज्वाइनिंग लेटर लेकर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइनिंग लेटर ले भी लिया फिर भी गायब रहे, लेकिन ये जो शब्द भगोड़ा है ये शब्द शिक्षकों के लिए क्या उचित है? बिल्कुल नहीं, मैं इस पर क्षोभ व्यक्त करता हूं। शिक्षकों के लिए यह शब्द जो शिक्षा पदाधिकारियों ने जारी किया है, जो खुद भ्रष्ट हैं और भगोड़े हैं, निरीक्षण के नाम पर उगाही कर रहे हैं, निरीक्षण के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं, निरीक्षण को जा नहीं रहे, ऑफिस में बैठकर फॉर्म भर ले रहे हैं, ये सबसे बड़े भगोड़े हैं, आतंकी हैं शिक्षा विभाग के ये लोग। इनको ये कहने में अर्थ नहीं होगा कि शिक्षा विभाग को और शिक्षकों को गर्त में मिला रहे हैं, शिक्षा को अपमानित कर रहे हैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। शिक्षकों की समस्याओं को तो नहीं देखे, उन दो दो महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है और कितनी विसंगतियां हैं जो इनके नियमावली में काले कंडिकाएं हैं, काले अध्याय के रूप में ये देखा जा रहा है। कल 1 जनवरी को एक भी विद्यार्थी नहीं आया विद्यालय में, जहां 2,000 विद्यार्थी थे वहां 15 आए हैं, 5 आए हैं। कहां गए ये भगोड़े शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी, निरीक्षी पदाधिकारी? ये खुद भगोड़े हैं, खुद आतंकी हैं ये लोग,
आतंक राज कायम करना चाहते हैं शिक्षकों के प्रति और शिक्षा के क्षेत्र में। इनको आतंकी कहना चाहिए, भगोड़े कहना चाहिए। कल स्ट्राइक था पूरे सूबे बिहार का, पूरे राष्ट्र में। न बस चल रहा था, न ऑटो चल रहे थे, न रेलगाड़ी समय से चल रही थी। किन परिस्थितियों में शिक्षक पहुंचे हैं और ये आतंकी पदाधिकारी बैठे रहे हीटर लगा के अपने अपने चेंबर में। विद्यार्थी नहीं है कहीं स्कूलों में, प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू कर दिए हैं ये लोग। विसंगतियां को नहीं देख रहे हैं कि न इनका पे मैट्रिक्स, न इनका वेतनमान, न इनका 7-8 लेवल, केवल उपस्थिति देख रहे हैं समय से। और 8.5 घंटे का ट्रेनिंग में कह रहे हैं कि और कुछ समय बढ़ सकता है आप लोगों के लिए। ये क्या करेंगे? शिक्षकों के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? वो अभी नियोजित है, अभी अतिथि शिक्षकों के बारे में दूसरी स्थिति बना दी है, नियमित शिक्षकों के बारे में दूसरी स्थिति बनी हुई है, जो बीपीएससी से गए हैं उनकी दूसरी स्थिति है, उनका वेतन भुगतान हो रहा है और बाकी नियोजित शिक्षकों को अधर में रखा गया है, कोई सुनने वाला नहीं। उनके लिए जो उपस्थिति है वो बिल्कुल एकमात्र उनका कार्यक्रम है, उपस्थित हो शिक्षक, केवल पढ़ाई हो नहीं, बच्चे रहे नहीं, अभिभावक गाली दे, जो प्रेस रिपोर्टर जा रहा है उसका कैमरा फोड़ दीजिए, जो मीडिया वाले जा रहे हैं, क्यों भाई? यथा स्थिति को आने तो दीजिए पटल पर, इन पदाधिकारियों की कलाई तो खुलने दीजिए, ये काले कारनामे इनके हैं। अब उनके वरीयता का 2006 में जो बहाल हुआ उसकी मान्यता 2020 वालों के साथ कर दी जा रही है, क्यों नहीं सेवा की निरंतरता? वो क्या सेवा नहीं दी है क्या? शिक्षक नहीं रहे हैं क्या? विद्यालय में कार्यरत नहीं रहे हैं क्या? कौन सी विसंगतियां है? 5 से लेके 12 तक चले जाइए, न पदोन्नति है, न प्रोन्नति है, न सीनियरिटी लिस्ट है, जहां जाइएगा वहां होगा। इनका है कि पहले आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, ऑक्सफोर्ड का डिग्री लीजिए पहले, और कौन देगा? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आज विगत पिछले 5 वर्षों से बिना प्रयोगशाला के उत्क्रमित करके, बिना विद्यार्थी का नामांकन, बिना पढ़ाई, बिना क्लासरूम के, जो प्रैक्टिकल की परीक्षाओं, व्यवहारिक परीक्षाओं का मार्क्स के आधार पर फर्स्ट डिवीजन का तांता लगा दिए, फीस में बढ़ोतरी कर दिए, शोषण कर रहे हैं ये लोग, 4 मिलके 4 जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, ये शिक्षा विभाग में उथल पुथल मचाए हुए हैं, इनका विरोध होना चाहिए। और तमाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और कुछ कुकुर मुत्ते नौजवान संघ, ये चुप बैठे हैं, प्रतिकार नहीं होता है, इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। ये तमाम प्रतिकार हो रहा है, प्रतिकार हो रहा है। मैं अब उस इशू पे आता हूं, प्रतिकार हो रहा है। मनोज जी आपका ऑडियो बंद है। हाँ जी, मनोज जी से सवाल ये है, शैलू जी अभी कह रहे थे कि संघ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने, आपके संघ ने, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया हुआ है, उसकी घोषणा कर दी गई है, 20 तारीख को आपने कार्यक्रम भी तय कर दिया है, लेकिन जितनी जानकारी है, क्या इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी हो रही है विभाग की तरफ से? देखिए दीपक बाबू, हम लोगों ने सरकार को पूर्व में यह कहने का काम किया था कि आप जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं संगठन से बात करके 31 दिसंबर तक आप उनको समाप्त करिए, लेकिन वो नहीं हो सका तो हम लोगों ने 20 जनवरी को 1 दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आयोजित करने का निर्णय संगठन ने लिया है। तो जैसे ही पत्र जा रहा है तो कहीं कहीं से फोन आ रहा है, जैसे आज भी मुख्यालय से, पुलिस मुख्यालय से, ये आपको जो विजिलेंस का मुख्यालय है आदि आदि से
फोन आया, वो लोग पत्र पिता की का कर रहे थे, और साथ ही कहीं कहीं लोग ये भी कहे कि क्या इस परिस्थिति में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो जो अभी के पदाधिकारी हैं छोड़ेंगे हम। तो हमने कहा कि देखिए पदाधिकारी से हमको कोई लेना देना नहीं है, मैं सरकार को जानता हूं और लोकतंत्र में अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम करने का देश के नागरिक को अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग बिहार राज्य के शिक्षक करेंगे। चाहे कोई पदाधिकारी क्या सोचता हो हमको उससे मतलब नहीं है, हम ये जान रहे हैं कि लोकतंत्र में हमें अधिकार है, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो हम आंदोलन करेंगे। रही बात जो पूर्व में आपने पूछा तो सजल भैया ने तो बड़ा सही कहा कि कई तरह के लोग हैं, 10,000 शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया, गए टर्नअप भी नहीं हुए, उसके बाद 8,000 शिक्षक काउंसिलिंग करा के नहीं गए और बाद में जो शिक्षक वहां ज्वाइन करके ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं उसकी संख्या भी उन्होंने 50 बताया, तो 50 की संख्या है, हो सकता है कि आज के डेट में वो संख्या बढ़े। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो रैंडमली पोस्टिंग किए हैं तो उसके वजह से इतने लोग ज्वाइन नहीं किए, यहाँ तक कि जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और प्लस टू में जिनका हो गया या हाई स्कूल में हो गया लेकिन वो वहां पर योगदान नहीं दिए क्योंकि उनको सही जगह पर पदस्थापन नहीं मिला था। तो इन सारी चीजों को जो यदि वास्तव में सरकार के लोग शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो अफड़ा तफड़ी का माहौल पैदा नहीं करें। और सबसे मुख्य जो आंदोलन की बात है तो आंदोलन हम लोग कर क्यों रहे हैं ये समझने की बात है राज्य की जनता को और देश की जनता को। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हम पीपीएससी से बहाली कर रहे हैं और उनको राज्य और ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी हम विशिष्ट परीक्षा लेके और विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। तो इस सीट का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने पूर्व में मांग किया था कि जिला कैडर होना चाहिए परंतु वहां पर एक गौण खा जाते हैं जहां पर सिक्स पे कमीशन में स्पष्ट रिकमेंडेशन है भारत सरकार में कि टू अट्रैक्ट ए बेटर टीचर द पे कमीशन रिकमेंडेड टू गिव देम ए बेटर पे स्केल। बेटर पे स्केल देने की बात पे कमीशन ने किया, एक से एक विद्वान लोग थे, शिक्षाविद लोग थे और उसी के आधार पर शिक्षकों के वेतन का अपग्रेडेशन भी हुआ, पूरे देश में हुआ, बिहार में भी हुआ, हम लोगों का वेतन अपग्रेड हुआ। लेकिन ये उस चीज को नहीं मानते हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 की बात करते हैं कि केंद्र ने ये किया है, हम भी करेंगे 8 घंटा या 8.5 घंटा जो भी है वो हम करेंगे, आप कीजिए, हम स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो केंद्र में है वही होना चाहिए। ये नहीं, उसमें तो बीच में 5 घंटा का 2 घंटे के बीच में ब्रेक है, उसमें जो है स्नैक्स के लिए 15 मिनट का ब्रेक है, लेकिन उसकी तो चर्चा आप नहीं कर रहे। केंद्र जो वेतन मान दे रहा है शिक्षकों का, जो सुविधाएं हैं केंद्र में शिक्षकों का, उस सुविधाओं की तो बात आप नहीं करते। मनोज जी बहुत है ना, तो मेरा कहना है कि इन सारी चीजों को लेकर शिक्षक आंदोलित है और किसी के डराने से डरने वाले नहीं है, लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन बिहार राज्य के शिक्षक निश्चित तौर पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे उसके लिए जो इनको लाठी गोली जो चलाना है सरकार चलावे, हम लोग उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे हमारे शिक्षक। मनोज जी अभी कह रहे थे सजल जी की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप भी आपसे भी जब बात हो रही थी तो आपने भी इसका जिक्र किया कि बिहार सरकार ने भी शिक्षा विभाग ने भी अभी शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हुए इन तमाम चीजों को शिक्षकों को इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में
हो सकता है कि जो जितनी भी घंटी का जो डेली का रूटीन होता है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्या कुछ कहा गया है उसमें? देखिए वो नई शिक्षा नीति 2020 आई, तो नई शिक्षा नीति के तहत ही एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2023 में एक नोटिफिकेशन निकाला और 20 पेज के उस नोटिफिकेशन को कहा गया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये 2023 है, तो उस 2023 के उस कैरिकुलम में साफ साफ कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए प्रत्येक कार्य दिवस को जो अवधि होगी प्रत्येक कार्य दिवस की वो होगी 7 घंटे 15 मिनट, और माध्यमिक विद्यालयों के लिए उस कैरिकुलम में उस फ्रेमवर्क में कहा गया है कि वो होगा 8 घंटे 35 मिनट, और साल में 120 दिन वो स्कूल गोइंग डे होंगे, यानी साल में ये 220 दिन स्कूल गोइंग डे होंगे, और उन उसका अभिप्राय ये है कि उन 220 दिनों में स्कूलों में पढ़ाई होगी। तो अवधि क्या होगी? प्रारंभिक विद्यालयों में ये कह रहा है कि 7.15 घंटे यानी 7 घंटे 15 मिनट, माध्यमिक विद्यालयों में 8 घंटे 35 मिनट। एक कंट्राडिक्टरी है, एक कंट्राडिक्टरी ये है जो नया आदेश आया है उसमें कहा गया है कि इसकी जानकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग में दी जाए। ट्रेनिंग अभी जो ज्वाइनिंग चल रही है, एक तो ट्रेनिंग वहां हो रही है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में, दूसरा है कि जो पुराने शिक्षक है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों के उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये दोनों ट्रेनिंग में शिक्षकों को इस बात की सूचना दी जाए, उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि ये प्रोविजन नेशनल कैरिकुलम फ्रेम फॉर स्कूल एजुकेशन में है। इसमें कंट्राडिक्टरी की बात यह है कि जो एनईपी है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें ये कहा गया है कि ये जो 220 दिन का स्कूल गोइंग डे होगा यानी 220 दिनों की जो विद्यालय संचालन की अवधि होगी उसमें 20 दिन होंगे असेसमेंट के, यानी 20 दिन हम बच्चों का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, तो उसके लिए 20 दिन है यानी कुल मिला के 200 दिन। लेकिन नया जो आदेश है उसमें स्कूल गोइंग डे उसमें ये तथ्य नहीं है जो एनईपी में है। एनईपी में है कि ठीक है स्कूल गोइंग डे 220 दिन होगा, 20 दिन उसमें असेसमेंट के होंगे, और नेशनल कैरिकुलम फ्रेम में ये बातें ये 20 दिन की बातें नहीं कही गई है। तो इसी को शिक्षा विभाग ने अपने नए आदेश में शामिल किया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों से कहा है कि इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में यानी उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में वहां दी जाए। अभी 84 जिसमें बैच शामिल है, तो 84 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ऐसे हैं जहां शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक बात और बता दूं, एक उस आदेश का एक बात और है, उस आदेश में यह भी कहा गया है कि समकक्षता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। समकक्षता परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है और उस परीक्षा को लेकर जिलाधिकारियों और विकास आयुक्तों से कहा गया है कि आप फोर्स कीजिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि समकक्षता परीक्षा के लिए जो ई शिक्षा कोष शिक्षा विभाग का पोर्टल है उन पर उनके आंकड़े दर्ज किए जाएं। वो इसलिए दर्ज किए जाएं कि एक तो परीक्षा को लेके ताकि उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, आंकड़ों में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो, साफ साफ हो कि हमारे कितने शिक्षक हैं, और जो समकक्षता परीक्षा के दायरे में है यानी नियोजित शिक्षकों का पूरा ब्यौरा के लिए एक तरह से ये शिक्षा विभाग के पोर्टल पर परीक्षा को लेके दर्ज करने की बात कही गई है। उसमें ये भी है कि ये जो होंगे इन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित किया जाना है, इसलिए भी इसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो शिक्षकों के लिए एक और आदेश दिया गया है, उसमें साफ साफ कहा गया उस आदेश में कि हर हाल में एक समय में 10% से अधिक शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाए, और
शिक्षकों में जो अवकाश की मनोवृत्ति है उस पर रोक लगाई जाए, तो ये आदेश भी दिए गए हैं जिलाधिकारियों को, उप विकास आयुक्त को। जी, जिस नेशनल करिकुलम की बात मनोज जी आप कर रहे थे, उसको अभी डिटेल से सज्जन जी ने चीजें बताई है। 9 से 5 को लेकर शिक्षकों का विरोध पहले से चल रहा था, और अब इस बात की जानकारी दी है कि क्लास आवर भी बढ़ सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर कहना यह है, हमने भी एनसीएफ 2023 पढ़ा है। सजल बाबू का यह कहना बिल्कुल सही है कि 7.5 घंटे एलिमेंट्री में, लेकिन एलिमेंट्री में भी वहां पर दो क्वालिटी, दो ये है, अलग अलग भाग है। एक जो प्री प्राइमरी से लेकर 1-2 जो फाउंडेशन कोर्स है उसका समय सारणी अलग है, और उसके बाद जो प्रिपरेटरी है और मिडिल है उसका समय सारणी अलग है। उस समय सारणी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 सैटरडे वर्किंग डे, मतलब माह में यदि 4 सैटरडे है तो 2 सैटरडे ही वर्किंग डे होगा। इस चीज को ये लागू करते हैं तो नजरअंदाज कर जाते हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 2 पीरियड के बीच में 5 मिनट का गैप, ये उसको नजरअंदाज कर गए। उसमें है कि स्नैक्स ब्रेक है, तो जब आप यदि आप लागू करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन एक चीज है कि केंद्र ने जो वो किया है, बनाया है एनसीएफ, तो केंद्र ने इस चीज के मद्देनजर बनाया है, केंद्र में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं या केंद्र के विद्यालय जो सैनिक वगैरह ये सब स्कूल हैं, वहां पर पूर्णतः शिक्षकों के आवासन की व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से एनसीएफ 2023 का निर्माण उन्होंने किया है। लेकिन हमारे यहाँ सोचिए कि पश्चिम चंपारण के बेतिया चनपटिया नवादा में जाइए तो वहाँ कौआ पोल से भी 25-30 किलोमीटर अंदर में मेरा स्कूल है, जहां पर शिक्षकों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने का अभी के समय में भी 3 बजे के बाद कोई बस नहीं चलता, तो वहां पर हमारे शिक्षक और विशेषकर शिक्षिकाएं, चूंकि ये तो पोस्टिंग रैंडमली कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे जाएंगे? उनके लिए सबसे पहले तो इन्होंने तो निकाला था, शिक्षक संघ उसका स्वागत किया था कि हम शिक्षकों के आवासन की व्यवस्था करेंगे, तो आवासन की व्यवस्था ये विद्यालय के पास ही कर देंगे, विद्यालय के सटे शिक्षकों का क्वार्टर रहेगा, तो इनका एनसीएफ सक्सेसफुल होगा। नहीं तो क्या होगा कि अरे बनाने वाले बल्ब वक्त जो काम किया जाता है वो बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं होता है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में इनको सोचना चाहिए। और मुख्य चीज है, आप सब चीज केंद्र वाला उतारते हैं, लेकिन जब शिक्षकों को वेतन देने वाली बात आती है तो 4th ग्रेड कर्मी से भी कम 25,000 और 27,000 और 29,000 पर आप आ जाते हैं, तो वहां भी तो केंद्र का चीज पढ़िए। इनके पदाधिकारियों को, शिक्षा विभाग के लोगों को केंद्र से वो नहीं आया है अधिसूचना, क्या DOPT का? शिक्षक संगठन को इस चीज से एतराज है कि आप यदि लागू करते हैं तो पूर्णतः केंद्र का लागू करिए, सभी चीज लागू करिए, कैरिकुलम भी लागू करिए, वेतन भी लागू करिए, सिलेबस भी लागू करिए, और सारा टर्म एंड कंडीशन जो है सर्विस का, बिहार शिक्षक संघ का तो एग्रीमेंट भी है सरकार से कि जो केंद्र देगा सो देंगे, तो केंद्र वाला हमको हुआ दीजिए, हम स्वागत करेंगे। और वैसे आदमी को तो बिहार के शिक्षक अभी तो नया शिक्षक कहीं कहीं फूल माला बरसाते हैं कि भाई बहाली हो गया बिना रुपया पैसा का। हम लोग भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत जल्दी में ये बढ़िया कदम हुआ कि बहाली हो गई, भले वेतनमान कम हो, लेकिन यदि बिहार के शिक्षकों को सारा चीज केंद्र वाला देते हैं तो आगे आने वाली कई पीढ़ियां ऐसा करने वाले लोगों को याद करेगी। आज हम लोग जगन्नाथ मिश्र को, उस समय के मुख्यमंत्री थे केदार पांडे जी को, सब दिन याद करते हैं कि उन्होंने शिक्षकों को जो सुविधाएं देने का काम किया उसके लिए बिहार का शिक्षक हमेशा से उनका आभारी है और इनका भी रहेगा। लेकिन केवल एक तरफ डंडा जहां चलाना हो या जहां काम लेना हो
वहां पर आप केंद्र वाला लागू करिएगा और जहां सुविधा देना हो वहां अपने से बना लीजिएगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करता जी, विरोध कर रहा है। और जाहिर सी बात है शैलेंद्र जी, जिस तरह की बात अभी जो करिकुलम की बात अभी सजल जी ने बताई और उसके बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है अभी मनोज जी ने बताया, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि इस तरह से अगर लागू किया जा रहा है 9 से 5 को लेकर कई बार विरोध हुआ है, आपने भी उस टाइमिंग को लेकर विरोध किया था और सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे अगर इसे लागू किया जाए तो हर चीज लागू होना चाहिए। साथ ही साथ उस पर भी टिप्पणी चाहूंगा कि मनोज जी ने कहा कि आंदोलन हो रहा है, आंदोलन की बात हो रही है तो अभी ने फोन कॉल्स भी आने लगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को एसी से लेकर डीसी तक सारी सुविधा है, अगर वो ब्लॉक में भी होते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं होती है, इनको तिब्बत मानसरोवर में भेज दिया जाए सब पता चल जाएगा इनको। ये जो डंडा लेके हांक रहे ना जानवर के तरह शिक्षकों को, सब पता हो जाएगा। नेशनल पाठ क्यूरिकुलम के अनुसार सब फ्रेमवर्क के तरह काम लीजिए, असुविधा नील कर दीजिए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दीजिए। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा पद के पदाधिकारियों को सबक सिखलाने की आवश्यकता है और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, तमाम जो विधायकगण हैं, इनका बहिष्कार करें बुद्धिजीवी लोग, शिक्षक लोग, ये नेशनल फ्रेमवर्क के तरह इनको सांचा में ढाल रहे हैं और सांचा कुछ नहीं है। देहातों में की स्थिति है, 2 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलती है, कोई सुविधा नहीं है, जहां खुद खानाबदोश लोग रहते हैं, झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नेशनल फ्रेमवर्क का सारा ये 8.5 घंटा 7.5 घंटा सजल जी पढ़ लिए हैं अच्छा से और उसको यहाँ पर रख रहे हैं, सरकार उसको रख रही है और सरकार नहीं देख रही है। जब शिक्षक उद्वेलित होंगे, सामाजिक बहिष्कार होगा नेताओं का, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो संघ के लोग हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे हुए हैं, राजनीतिज्ञ हैं, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ के इस आंदोलन के निर्णय को मैं समर्थन करता हूं। आप आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं, आप आंदोलन का शैलू जी आप आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मनोज बता रहे हैं कि उन्हें फोन कॉल आ रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी है आप आंदोलन करने जा रहे हैं, ये फोन कॉल आ रहे हैं मनोज जी को। अधिकारी खुद खत्म है, नीचे का अधिकारी खुद प्रताड़ित हो रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और अभी काला चश्मा पहने हुए हैं माननीय आयुक्त महोदय। हम तो समझे थे कि पटरी पर पाठक जी ले आवेंगे, लेकिन इनके नीचे के पदाधिकारी सब तोड़ दे रहे हैं पटरिये को। अब इनको कहां पता है, सारी सुविधाओं को देना होगा। शिक्षक अभी भी आपके कदम में कदम मिलाकर, भाई मनोज जी ने स्पष्ट कहा कि सारा फ्रेमवर्क उतार लेते हैं, सारी कार्यवाही इनके जिम्मे, प्रशिक्षण शिक्षण सारा उपस्थिति और दक्षता का ये कर रहे हैं। किसी भी विद्यालय में ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात थी 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन था, चाइल्ड पर आधारित था, वो किस क्षेत्र में जाते हैं, कौन सा वो अपने में ग्रहण करने की उनमें क्षमता है और किस तरफ वो मोटिवेट होते हैं, तो बच्चों को नहीं शिक्षक को मोटिवेट कर रहे हैं और स्वयं मोटिवेट। आप जाइए ना क्लास लीजिएगा, क्या शिक्षाविदों ने बैठकर बनाया है सारा फ्रेमवर्क और सारी सुविधाओं का, उसमें ये अग्निवीर सैन्य कर्मी बनाना है क्या, सारी सुविधा देना होगा तब शिक्षक, नहीं तो आंदोलन ऐसा होगा कि बिहार को एक नई दिशा मिलेगी। और शिक्षाविदों ने दिखलाया भी है,
आज उन्हीं लोगों का पुजारी है वो जो शिक्षा को सुविधाजनक और शिक्षकों को सुविधाजनक एक जी नया है, उनको मर्यादा के तहत उनको सम्मान दिया है। जी जाहिर सी बात है कि अगर नए नियम लागू करने हैं, नई चीजें लागू करनी है, तो शिक्षकों को सारी सुविधाएं भी देनी होगी और सारे मैकेनिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।